hello everyone how are you? today we are going to discuss one of the most interesting amazing facts of physics and is the concept of multiverse. We'll discuss the science behind the parallel universe. such that apka or mera हम शक्ल दूसरा यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं शायद आप और मैं रियल नहीं हूं हमारा रियल तो कोई दूसरा यूनिवर्स में है और हम डुप्लीकेट है ये अमेजिंग फैक्ट्स का समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा ये मल्टीवर्स क्या है ये मल्टीवर्स का कंसेप्ट कहाँ से आया द कंसेप्ट ऑफ मल्टीवर्स पहले तो ये मल्टीवर्स क्या है देखिए हमको पता है कि यूनिवर्स यूनिवर्स जहाँ में बहुत सारा गैलेक्सी से देन क्या प्लैनेट्स से सोलर सिस्टम है सन है स्टर्स है ये सब है हम हमारा प्लेनेट अर्थ है नाउ जब कंसेप्ट ऑफ मल्टीवर्स आया मतलब यूनिवर्स एक नहीं अनंत है बहुत सारा यूनिवर्स मल्टीवर्स है तो ये मल्टीवर्स का कंसेप्ट कहा से आ, आया मल्टीवर्स का कंसेप्ट आया दो साइंटिस्ट का नाम से दो साइंटिस्ट so, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम जिसने किया वो है तो हॉकिंग so, का मैंने दो तीन ये से देखा कि कंसेप्ट ऑफ मल्टीवर्स कैसे एक्सप्लेन करते हैं सो ऑफ मल्टीवर्स का फर्स्ट जो आएगा वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हम लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कैसे वो एक्सप्लेन करते एग्जिस्टेंट ऑफ द इनफाइनाइट यूनिवर्स इनफाइनाइट यूनिवर्स और माय गॉड हमारा तो एक ही यूनिवर्स है और ये यूनिवर्स के हम जान नहीं सका हम जस्ट हमारा मार्स को हम मार्स मिशन और मून मिशन यही लेके हुए आए और इसके बाद पूरा सोलर सिस्टम बाकी ये फिर हमारा ये पूरा गैलेक्सी बाकी है फिर यूनिवर्स है एंड आई talking about that another universe, That is your multiverse. Okay, let us try to understand क्य? because these facts are very amazing and physics can explain these things nicely. So let us try to understand. So infinite universe. Actually, infinite universe का concept आता है space time से. अभी ये space time क्या है? देखिए हर एक ऑब्जेक्ट का लोकेशन लोकेशन के लिए हम इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब उसमें पोजिशन एंड टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मेरा लोकेशन जैसे कि मेरा लोकेशन ये ये स्मार्ट बोर्ड का लोकेशन ये स्मार्ट बोर्ड का लोकेशन या किसी का लोकेशन आपका लोकेशन सपोज आप अभी घर में है एट दिस टाइम कल दूसरे टाइम में आप ऑफिस में होंगे या बस में होंगे या ट्रेन में होंगे या फ्लाइट में होंगे मतलब आपका पोजीशन टाइम के साथ क्या होगा चेंज होते जाएगा Now, यहाँ पर एक चीज़ है स्पेस टाइम में दो पर्सन इंटरफेयर किया एक है न्यूटन जो कि हम न्यूटोनियन हैं अच्छे तरह से समझना ये न्यूटन है और एक का नाम एक है आइंस्टीन। दोनों का अच्छे तरह से समझते हैं। न्यूटन ने बोला कि टाइम इज एब्सोल्यूट मतलब टाइम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते और आइंस्टाइन ने बोला कि टाइम इज रिलेटिव मतलब टाइम डिपेंड करते अच्छे तरह से समझिए न्यूटन बोल रहे कि जैसे कि हम सपोज एग्जाम्पल लेते हैं ये तीन स्टूडेंट ठीक है सो कुछ भी नाम देते थे जैसे ये पिंकी है और ये रिंकी है और ये पुष्पा है तीन स्टूडेंट रिंकी पिंकी रिंकी पुष्पा अब मजा आएगा समझो ये पिंकी जो है वो आर्थ में है रिंकी जो वो गया मार्स में और पुष्पा जो है वो गया जुपिटर में अब प्रॉब्लम आया तीनों का टाइम क्या सेम है क्योंकि तीन तीन तो तीन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चला गया एक आर्थ में एक मार्स में एक जुपिटर में अब प्रॉब्लम आया क्योंकि अलग-अलग जगह है तो न्यूटन बोल रहे टाइम एब्सोल्यूट नहीं टाइम एब्सोल्यूट नहीं होगा टाइम तो चेंज होगा क्योंकि आइंस्टाइन अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन टाइम डिपेंड करेगा किसका ऊपर टाइम डिपेंड करेगा टू फैक्टर्स का ऊपर एक है ग्रेविटेशनल फील्ड जो कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है मार्स का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है जुपिटर का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है सभी का ग्रेविटेशनल फील्ड अलग अलग है और दूसरा क्या है कि ग्रेविटेशनल फील्ड अलग और स्पीड भी अलग जुपिटर अर्थ का जो ऑर्बिटल स्पीड है और आ, आपका, मार्स का जो ऑर्बाइटर स्पीड है और जुपिटर का जो स्पीड सबका अलग अलग है जुपिटर का ग्रेविटेशनल फील्ड भी ज्यादा है तो क्या होगा उसमें टाइम और स्पीड भी ज्यादा है अगर स्पीड ज्यादा होता है तो क्या होगा टाइम धीमे जाएगा टाइम स्लो रन करेगा अर्थ में जो टाइम जिस जो टाइम होगा जुपिटर में टाइम क्या स्लो रन करेगा मतलब आप समझ सकते हैं कि पिंकी जो है और पुष्पा जो है जैसे कि पुष्पा अगर फाइव इयर्स बाद पुष्पा फाइव इयर्स बाद में आए तो आके देखेगा पिंकी जो है वो बुढ़ा हो गया वो एट्टी इयर्स का हो गया क्योंकि पुष्पा के लिए जो टाइम था ता फाइव इयर्स वो बहुत स्लो मूव किया बहुत स्लोली क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड में था और बाइटल स्पीड भी अलग था और पिंकी तो रे गया तो पिंकी का टाइम है और पुष्पा का टाइम सेम नहीं है दोनों का टाइम अलग अलग है तो इसका मतलब पुष्पा का टाइम धीमे चला स्लो चला और पिंकी का टाइम क्या है फर्स्ट सिमिलरली जो जैसे कि डिफरेंट प्लान में होगा तो उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से क्या होगा टाइम होगा मतलब अभी तक जैसे कि क्लास इलेवन टेस्टेंट बट थिंग वन इज ग्रेविटेशनल स्पीड ऑब्जेक्ट का स्पीड जिस ऑब्जेक्ट में हम टाइम को मेजर कर रहे इसका मतलब टाइम नहीं है और इसीलिए टाइम ट्रेवल भी आता है अब ब, मजादार बहुत सारा वीडियोस भी आता है कि मैं खुद को अगर पास्ट में जाके मार दूँ तो क्या मेरा एग्जिस्टेंस होगा क्या ये सब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स तो ये सब धीरे-धीरे मैं बोलूँगा डिफरेंट वीडियोस में ना समझो कि ये जो स्पेस एंड टाइम है तो आइंस्टाइन ने बोला रिलेटिव हाँ रिलेटिव क्योंकि पिंकी के लिए जो टाइम है रिंकी के लिए जो टाइम है पुष्पा के लिए जो टाइम है वो तीनों तीन डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो तीनों का टाइम भी क्या है अलग-अलग है डिफरेंट है अब समझते हैं कि ये जो टाइम है तो अगर ये टाइम इधर में स्पेस और इधर टाइम लेते तो टाइम के साथ ये स्पेस क्या होगा चेंज होगा क्योंकि देखो हम बात करते बिग बैंग का तो बिग बैंग में देखा कि जैसा कि सिंगुलरिटी सो so, ये सिंगुलरिटी से जब डिफरेंट पार्टिकल हुआ तो ये धीरे धीरे ये पार्टिकल क्या हुआ फैलता गया ऐसे तो ऐसा हो गया सो so, ये क्या हुआ कि स्प्रेड आउट हुआ स्प्रेड आउट हुआ स्प्रेड आउट हुआ अब क्या है कि ये स्पेस टाइम जो ग्राफ है तो ये जितना टाइम गया स्पेस भी बढ़ते गया। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जीटीआर, जिसमें बोला गया कि अगर स्पेस टाइम कर्ब जो स्पेस टाइम ग्राफ जो है वो अगर फ्लैट हो गया तो प्रॉब्लम है फ्लैट हो गया मतलब वो क्या है कि स्प्रेड आउट होते जाएगा इनफाइनाइट यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट आ गया और अगर ये कर्व होता था तो तो फाइनाइट लेकिन ये कर्व नहीं है ये फ्लैट हो गया मतलब इनफाइनाइट यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट आ गया एक यूनिवर्स नहीं अनंत यूनिवर्स क्योंकि स्पेस टाइम कर्व जो है वो फ्लैट आ गया तो ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोल रहे हैं क्योंकि स्पेस टाइम गर्फ जो है वो फ्लैट है मतलब ये एक्सटेंड हो रहा है इनफाइनाइटली स्प्रेड आउट हो रहा है मतलब बहुत सारा यूनिवर्स इनफाइनाइट यूनिवर्स का कंसेप्ट आ रहा है समझ में आया ना नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द अनादर थ्योरी अनादर थ्योरी एंड दिस थ्योरी बेस्ड ऑन कस्मोलॉजी कस्मोलॉजी एटर्नल इनफ्लेशन मैंने अभी जो बोला कि बिग बैंग तो बिग बैंग थ्योरी से देखिए यह सिंगुलरिटी था और इससे क्या हुआ एक देखिए हमारा जो यूनिवर्स है समझ लेते है, ये यूनिवर्स एक बबुल है अभी यूनिवर्स से एटर्नल इन्फ्लेशन हो रहा है मतलब दूसरा यूनिवर्स हो सकता है इससे और यूनिवर्स हो सकता है इससे और यूनिवर्स हो सकता है इससे भी और यूनिवर्स हो सकता है इससे भी और यूनिवर्स हो सकता है इससे भी और यूनिवर्स हो सकता है ऐसा बहुत सारा यूनिवर्स होते जाएगा क्योंकि एटर्नल इन्फ्लेशन क्योंकि एक्सपांड हो रहा है एक्सपांड हो रहा है एक्सपांड हो रहा है तो डिफरेंट यूनिवर्स होते जाएगा बबल यूनिवर्स ये बोल रहा है कि एक के बाद एक इनफाइनाइट यूनिवर्स का कंसेप्ट बहुत सारा यूनिवर्स का कंसेप्ट आ रहा है ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर थिंग अब है डाइव इन टू क्वांटम फिजिक्स क्वांटम फिजिक्स जो स्मॉल पार्टिकल लेकर लेकर डील करते हैं सो अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट सॉरी क्वांटम फिजिक्स एंड इन इज नोन एज डोटर यूनिवर्स सो लेट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स व्हाट इज़ देयर इन डोटर यूनिवर्स सो ये है डॉटर यूनिवर्स क्या है इसमें समझते हैं ये टोटली बेस्ड ऑन क्वांटम फिजिक्स यहां पर मैं बात करूंगा हाइजन बर्ग्स आंसार प्रिंसिपल का इंटरेस्टिंग ये है कि, जैसे कि एक स्टूडेंट ये स्टूडेंट है जिसका नाम मान लो रवि है ये रवि उसका ये था कि उसका बनना है वाइल्ड फोटोग्राफर बनना है फोटोग्राफर बनना है लेकिन उसका मम्मी पापा ने फोर्सफुली उसको क्या बोला कि नहीं तुझे डॉक्टर बनना है क्लास ट्वेल्व साइंस के बाद बोला कि उसको डॉक्टर यूनिवर्स तो तो लेकिन, लेकिन में डेफिनेटली वो फोटोग्राफर भी बनेगा तो ये दूसरा यूनिवर्स में वो फोटोग्राफर है और यहां पर वो डॉक्टर है कैसे ये हो सकता है अस ट्राई टू अंडरस्टैंड मतलब एक ही टाइम में एक ही पर्सन डिफरेंट जाएगा जगह पे हो सकता है आप भी यहाँ पर है और आपका एग्जिस्टेंस दूसरा जगह पे भी है शायद आप यहाँ पर कुछ डॉक्टर है तो दूसरा जगह पे आप इंजीनियर भी हो सकते हैं यहाँ पर अगर एक आप एक सपोज डांसर है तो दूसरा रियलिटी में आप शायद एक सिंगर सिंगर है डांसर है तो भी चेंज हो सकता है यहां पर आप अगर फिफ्टी ईयर्स का है कहीं पर आप ओनली फाइव ईयर्स का है टू अंडरस्टैंड ये सब क्या है इसका समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा देखो एक चीज हम हमारा क्या है हम मैटर है और मैटर किससे बनता है फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन यही मानते हैं स्ट्रिंग थ्योरी में मैं नहीं जाऊंगा अभी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तो हमें क्या है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से हमें हम बना तो अभी मैंने बोला मैंने आपको तीन ब्लॉक दिया थ्री ब्लॉक हाँ? देखो आ, थ्री ब्लॉक एक येलो ब्लॉक ये येलो है और मैंने दिया एक रेड ब्लॉक रेड और मैंने आपको दिया व्हाइट ब्लॉक व्हाइट ये रेड है सॉरी रेड है व्हाइट है और ये येलो है येलो रेड एंड व्हाइट अब मैंने बोला ये तीन से ना ये तीन ब्लॉक से डिजाइन बनाओ तो तुम क्या करोगे वाई आर डब्ल्यू से एक बनाओगे येलो दोगे रेड दोगे व्हाइट दोगे आपके पास और भी ऑप्शन है आप रेड व्हाइट येलो दे सकते रेड व्हाइट येलो आपके पास ये भी ऑप्शन है डब्ल्यू व्हाइट रेड येलो दे सकते आप उल्टा भी कर सकते आप डब्ल्यू वाई डब्ल्यू वाई आर दे सकते हैं मतलब व्हाइट येलो रेड आप ये भी कर सकते आप येलो येलो वाइट रेड दे सकते सो so, आप और भी कर सकते जैसे कि रेड येलो व्हाइट दे सकते मतलब डिफरेंट वे से आप इसका अरेंज कर सकते ये देखिए जमेंट ये भी एक अरेन्जमेंट ये भी एक अरेजमेंट ये भी एक अरेजमेंट ये भी एक मैंने कितना सारा डिजाइन बनाया तो हमारा क्या है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अभी इसका अरेंजमेंट कैसा है उसका ऊपर डिपेंड करते कि डिफरेंट टाइप्स हो सकता है हमारा ट्राई टू अंडरस्टैंड आप इफ यू आर थिंकिंग दैट

डिफरेंट पोजिशन डिफरेंट लोकेशन और माइ गॉड इलेक्ट्रॉन अगर डिफरेंट जगह पे एक टाइम में रहते तो हम क्यों नहीं क्योंकि हमारा भी तो फंडामेंटल क्या है इलेक्ट्रॉन है प्रोटोन है इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम में डिफरेंट जगह पे रह सकते तो हम भी तो एक ही टाइम में डिफरेंट जगह पे रह सकते कंसेप्ट so, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मेरा ही हम शकल की दूसरा जगह पे है तो मैं उसके साथ कम्युनिकेट क्यों नहीं कर सकता ठीक ना कि आप अगर मेरा ही रियलिटी मेरा पास में है तो मैं क्यों इसको देख नहीं पा रहा मेरा रियलिटी अगर कोई दूसरा यूनिवर्स में है तो मैं इसके साथ कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पा रहा तो ये तो बिगेस्ट क्वेश्चन है ना तो लेटेस्ट ट्राई टू तो अंडरस्टैंड कि ये कम्युनिकेट कर सकते क्या मतलब मैं मेरा साथ बात कर सकता हूं कभी मेरा रियलिटी को देख सकता हूँ क्या तो वो सब अंडरस्टैंड तो मेरा रियलिटी कहा पड़े वो समझते है तो पैरेलल यूनिवर्स का बात कर लिया टाइम लाइन अभी टाइम लाइन और टाइम डायलेशन टाइम ट्रेबल ये सब थोड़ा सा वो बोलूंगा कि हम दूसरे के साथ मेरा हमशक्ल के साथ मैं बात कर सकता हूं क्या मिल सकता हूं क्या देखते चलिए चलो सो so, मान लीजिए कि हम यहां पढ़े और मेरा जो हम है मेरा जो हम है वो यहां पढ़े ये एक यूनिवर्स है और ये एक यूनिवर्स में ये एक सिविलाइजेशन है ये एक सिविलाइजेशन है तो मेरा इंटेंशन यह कि मैं मेरा हमशक्ल के साथ मेरा मेरा रियलिटी के साथ मैं बात करना चाहता हूं बात करना चाहता हूं यहां पर और भी एक चीज बोलना एक मैं, ये, मैं, आ, में में बोला नहीं कि हम जो सोचते हैं कि वही रियलिटी में कन्वर्ट होकर नया एक यूनिवर्स में वही होता है जो बोला था कि जो मेरा मन में वो फोटोग्राफर बनना है तो मैं डेफिनेटली मैं डॉक्टर बन गया यहाँ पर लेकिन फोटोग्राफर दूसरा जगह पे बनूंगा तो वही यहां से अभी मैं यहाँ पर क्या है डॉक्टर हूं और यहां पर क्या है फोटोग्राफर हूं तो डॉक्टर साहब फोटोग्राफर के साथ क्या कभी मिल सकते अपना लाइफ टाइम में ये सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी है हो सकता है क्या हाँ, तो इसका पहले ये जो दोनों में जो डिस्टेंस है ये समझ में आ रहा है ना क्या डिस्टेंस है अगर लाइट का भी स्पीड ले लिया तो भी आने के लिए फिर भी वही टाइम लगेगा मतलब अपना लाइफ टाइम में इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू मीट विथ हिम विद द स्पीड ऑफ लाइट ऑल्सो अब आप ये भी बोल सकते मुझे कि आपने बोला अगर लाइट का स्पीड ले लेते तो तो मेरे लिए टाइम स्टॉप हो जाएगा तो अगर टाइम स्टॉप हो गया तो तो में, में तो मैं मैं जा सकता हूं मेरे लिए तो टाइम मूव नहीं करेगा टाइम फ्लो नहीं करेगा तो तो मैं दूसरा यूनिवर्स में, में जा सकता हूं तो देखो नंबर वन तो मेरा जो फिजिक्स है यहां का जो फिजिक्स है ये फिजिक्स यही बोलते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने मोला की कि फिजिक्स में लाइट ऑफ स्पीड इज द मैक्सिमम स्पीड स्पीड ऑफ लाइट इज द मैक्सिमम स्पीड इसको एक्सिड कोई नहीं कर सकता अगर करते तो लॉज ऑफ फिजिक्स इनवैलिड हो जाएगी मतलब लॉज ऑफ फिजिक्स वैलिड तब तक रहेगा जब तक स्पीड ऑफ लाइट इज द मैक्सिमम स्पीड वही मान के चलना पड़ेगा आई मान लेते हैं कि कोई दूसरा यूनिवर्स में ऐसा कुछ रिसर्च किया ऐसा कुछ इन्वेंशन करनी आ, कर लिया कर लिया टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया कि उन्होंने ऐसा कुछ डिवाइस बनाया जिसका स्पीड लाइट का स्पीड से भी ज्यादा ज्यादा है अभी यहाँ पर यह भी बोलना है कि सभी यूनिवर्स में सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिजिक्स का लॉ अलग अलग है मतलब आर्थ का जो फिजिक्स का लॉ से दूसरा यूनिवर्स में वो लेके जाए तो वैलिड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम है क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि दूसरा जगह दूसरा यूनिवर्स में शायद इतना एडवांस हो गया वो लोग का स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा स्पीड से कोई ट्रेवल कर रहा है अभी मान लेते हम तो डॉक्टर यहां पर है और ये फोटोग्राफर भाई साहब जो है वो लाइट का स्पीड से भी ज्यादा स्पीड आ गया तो वो तो सपोज वो एट द एज ऑफ फाइव जर्नी शुरू किया तो आ गया आते वक्त वो देखा कि मेरा फाइव ईयर तब था अभी भी मेरा क्या है फाइव ईयर ही है मतलब मेरे लिए टाइम फ्लो नहीं किया अभी फिर इसके डॉक्टर साहब के साथ मीट करके वो वहां पर जाएगा जाके ये बोलेगा कि मेरा तो फाइव ईयर ही है मतलब उसका एज चेंज नहीं हुआ फाइव ईयर से लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ इसका जो पेरेंट्स है ग्रैंड पेरेंट्स है और इसका जो फैमिली है जाके किसी को पहचानेगा नहीं क्योंकि उसके लिए तो टाइम स्टॉप हो गया था लेकिन इसका जो रिलेटिव है जो जो जिनको रख के आया वो सब का डेथ हो गया क्योंकि इसके लिए टाइम स्टॉप हो गया वो लोग के लिए तो टाइम मूव हुआ तो उसका जो फैमिली मेंबर्स है वो सब अपना बच्चा भी उसको पहचानेगा नहीं क्योंकि ये सब बच्चा तो बच्चा का देती ही हो जाएगा उसका जो नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन रहेगा वो जाके और जब जाएगा किसी कोई भी उसको पहचानेगा नहीं अगर कोई भी पहचाना नहीं तो वो जाके क्या करेगा तो ये प्रॉब्लम है कि आप उसके लिए टाइम स्टॉप हो जाएगी ये फोटोग्राफर भाई का लिए टाइम स्टॉप हो गया लेकिन वो जितना भी रिलेटिव को रख के आएगा वो सब जाके देखेगा कोई भी नहीं है सबका डेथ हो गया so, ये प्रॉब्लम है मतलब टाइम डायलेशन यही बोलता है कि अच्छा अगर तो स्पीड में जाते जैसे कि मैं बोला स्पीड ऑफ लाइट अटेंड कर देते तो टाइम स्टॉप हो जाएगी और स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड से जा रहे अगर पॉसिबल है ये सब पॉसिबल नहीं है इसका मतलब ये आ रहा है कि आप अपना हमशक्ल के साथ मतलब मैं मेरा हमशक्ल जो है उसके साथ कभी भी मिल नहीं सकता पॉजिबल नहीं है लेकिन ये पॉसिबल ये है कि ये हो सकता है मतलब सर्टेनिटी है एक है अनसर्टेनिटी और एक है अनसर्टेनिटी सर्टेनिटी और एक है अनसर्टेनिटी यहां पर ये प्रेडिक्शन किया जा रहा है ये इतना सारा थ्योरी को अगर समराइज किया जाए हाँ यूनिवर्स बहुत सारा हो सकता है क्योंकि ये थ्योरी बोल रहे हैं हमारा जितना भी थ्योरी मैंने एक्सप्लेन किया सारे थ्योरी ये बोल रहे हैं कि हो सकता है डिफरेंट यूनिवर्स है लेकिन उसके साथ कम्युनिकेशन करना ये सब थोड़ा जगह पे हो सकता है शायद मैं और आप रियल नहीं है जस्ट कॉपी है जो ओरिजिनल दूसरा जगह पे है लेकिन इनके साथ मिलना या लाइफ टाइम में इसके साथ meet करना वो सब शायद अभी के लिए ये पॉसिबल नहीं है लेकिन ये मानना पड़ेगा कि मल्टीवर्स होता है या पैरेलल यूनिवर्स का कंसेप्ट भी करेक्ट है ऐसा बहुत सारा अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए समझने के लिए डेफिनेटली आई टू गिव डिफरेंट अमेजिंग टॉपिक्स का ऊपर वीडियो बनाने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गिविंग टाइम विथ मी वंस अगेन एलकम with another interesting topic. Topics. Thank you so much.